Hi, Vrinal. Welcome to Desi Feed. आयुष हाउ I'm fine. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक Congratulations for your new project. यू सो मच. So, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? आपने बहुत जगह आपको घूमने मिला, एक्सप्लोर किया बहुत सारी जगहों को. अपने ऑस्ट्रेलिया में थे आप लोग, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार. एक तो ऑस्ट्रेलिया इन इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड जस्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नाम से आई थिंक आदि एक्साइटमेंट तो वहीं आ जाती है. ऑस्ट्रेलिया सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, एंड दैट टू शूट अ रोड ट्रिप फिल्म इन ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट साउंड्स ब्यूटीफुल एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन आइडिया, leave alone the journey which we had and everything. So it was just phenomenal. It was just amazing. Great bunch of people, and they were set out to do something really nice and something really really fun and really really honest. So बहुत मजेदार था actually. पूरा travel और साथ में travel और साथ में unit के you know to create this was a lot of fun. Okay. And audience ने traveling shows इससे पहले भी देखे हैं. We will like to know इसमें क्या different देखने मिलने वाले लोगों को. See, इसमें characters अलग हैं. इसमें I don't know, मतलब हाँ, college के बाद लोग road trip पे गए हैं, ऐसे वाली stories हुई हैं. But again, characters अलग हैं, इनके issues अलग हैं. क्योंकि जो ये मुद्दा है coming of age जिसको बोलते हैं कि you know stepping into the real world. It is something very significant and of a huge consequence, of a huge relevance. Sorry, कि स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे लाइफ में, वो बहुत बड़ा सवाल हर किसी के लिए रहता है. और क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी जॉब है, क्या मिलेगा, क्या कर सकते हैं, करना क्या चाहते हैं, दिस इज वेयर यू स्टार्ट योर एडल्टहुड फ्रॉम. तो आई थिंक कहानी ही, मतलब ये जोन जो है यही बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो इसमें डेफिनेटली और कहानियां बनी गई हैं, बट इसमें कैरेक्टर्स अलग हैं, इसमें उनके इक्वेशंस अलग है. ऑस्ट्रेलिया है, अभी फॉरेन लैंड में पढ़ रहे हैं. रोड ट्रिप इज नॉट इन इंडिया, रोड ट्रिप इज फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ. डायनामिक्स डिफरेंट है, यू नो दिस इज नॉट सम पीपल ओनली इन इंडिया. तो हिंदुस्तान वापस जाने की बात है, हिंदुस्तानी कल्चर से कैसे बाहर रहते हुए भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, और ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स जो आप बाहर पढ़ने जाते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो सारी चीजें हैं. सो यस, इट्स लाइक एज आई सेड, इट्स अ वेरी फ्रेश एंड वेरी वेरी फ्रेश इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरी एंड हाउ इट अनफोल्ड्स इवेंचुअली. सो हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट इज डिफरेंट. ओके, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर कैरेक्टर. क्या इस बार क्या नया प्ले करने जा रहे हैं आप? यार, आई प्ले दीक्षित गोटे, जो बहुत ही एक्चुअली कॉमिक रिलीफ भी है एक तरीके से. कॉमिक रिलीफ नहीं, ही इज जस्ट फनी. ही इज जस्ट लाइक सिचुएशंस ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन टू बिकम रियली फनी, बिकॉज़ समबडी हु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिज ओन स्किन. ही इज समबडी हु इज, आई थिंक ही इज वेरी एडोरेबल. ही इज समबडी हु इज वेरी लवेबल. ही इज अ ग्रेट फ्रेंड. ही इज अ सिंपल गाय, सोशली ऑकवर्ड, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, मतलब ऐसा कोई डिप्रेस सैड नहीं है. ही इज वेरी हैप्पी विद द स्ट्रक्चर्ड मंडेन लाइफ. उसकी जो स्ट्रक्चर बन चुकी है, जो उसको दी गई है कि ये आपकी लाइफ है, आपको ये जीनी पड़ेगी, बट कहीं ना कहीं उसके चलते जो उसकी असली अपनी एस्पिरेशंस, अपने मिशन, अपना पैशन, वो दब गया रास्ते में कहीं. सो इट इज दिस जर्नी ऑफ हिम फाइंडिंग हिम हिज ओन सेल्फ, हिज पैशन, एंड you know just discovering himself and opening up to life and becoming this person who's more acceptant and more confident and more happy in his own skin and living a life which he would ideally want to live. Okay, and logon ne trailer ko kafi zyada pasand kiya hai. Trailer aayega aaj, matlab थोड़ा, मतलब लोगों ने आप लोग को देखा था, सॉरी पोस्टर देखा था आपका, फर्स्ट पोस्टर जहाँ आप सब लोग दिखे थे, तो आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया. तो पर्सनली आपको कैसा, मतलब रिस्पांस कैसा मिला आपके फैंस का? यार, रिस्पांस तो अच्छा मिला है. अभी आएगा रिस्पांस तो असली, जब ट्रेलर बाहर आएगा और देखते लोगों को कैसा लगता है. बट रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है. रिस्पांस फ्रेश, एज आई सेड, फ्रेश लगता है.
वो जोन बहुत द वे इट्स क्रिएटेड, जो फ्रेंड्स की कमराडरी, आप जो बोले आपने फ्रेंड्स और दोस्तों के बारे में बड़ी रोड ट्रिप्स और ये सब लिखा होगा, बट आपको ये फिर भी फ्रेश लगेगा. तो जॉनर्स रिपीट होते हैं, यू नो यू हैव सीन समथिंग ऑफ द सेम जॉनर एंड द सेम स्पेस अर्लियर बिफोर इन योर लाइफ समवेयर, बट इट्स हाउ डिफरेंटली इट्स ट्रीटेड, हाउ डिफरेंटली इट्स डन एंड हाउ डिफरेंटली इट्स सेट, दैट्स हाउ इट इज. या We would like to know about your bonding. कैसे enjoy कर रहे थे आप लोग shoot सब लोग प्रकाश के साथ? बहुत, मैं तो बहुत लड़ता था सबसे. मैं मतलब सबसे बहुत लड़ा हूँ. मानसी और मेरी एक बार लड़ाई हुई थी. ठंड हो रही थी बहुत, जैसे मैंने बोला ठंड. It was a winter film और गर्मी में हम shoot, मतलब it was a summer film, मतलब film में गर्मी है but actually वहाँ सर्दी हो रही थी. तो हम ठंड से कांप रहे होते थे टेक्स के बीच में, और फिर हम बिल्कुल समर है वैसे एक्टिंग करते थे नॉर्मल है. तो मानसी को बहुत ठंड लग रही थी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो हमारी लड़ाई हुई. तो बहुत लड़ाइयाँ हुई, और सबके साथ लड़ाइयाँ होने के बाद फिर इवेंचुअली वी रीच्ड द प्लेस वेयर वी वर बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. क्योंकि आप जब इतने टाइम बाहर होते हैं, इतना घूमते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, दिन रात सुबह शाम शाम शूट कर रहे हैं, यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर ईच अदर, यू ऑलवेज हैव ईच अदर्स बैक, बिकॉज you know it's like sport, it's like any film or any unit of people doing something together, they become thick, they go through ups and downs a little bit, but at the end of the day, because of the true love for what we were doing and the project and you know the passion for it, everybody came together and it was great. There was a lot of camaraderie, it was free flowing, matlab sab ek dusre ke dost the, became like a good unit of friends. Or बहुत यंग क्रू था, इट वाज आई थिंक द एवरेज वुड हैव बीन 27, द एवरेज एज ऑन सेट वुड हैव बीन नॉट इवन 27, मे 25 26. ओके, सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर प्रोजेक्ट के अंत में कुछ ना कुछ हैप्पी मतलब मोमेंट्स मेमोरीज हम साथ ले जाते हैं, तो आपका कौन सा मेमोरी जो आप हमेशा याद रखेंगे एंड मिस करेंगे वो चीज? यार मोमेंट्स एंड मेमोरीज तो बहुत सारी है. एक चीज क्या, मतलब वहाँ हम साथ उठते थे, आशा मेरे लिए कॉफी बनाती थी, गाड़ियाँ चलाना, वहाँ पर इंडियन से हमारी जो इंटरेक्शन थी, कुछ इंडियन फैमिलीज थी जो हमारा वहाँ ध्यान रखती थी, हमारे साथ रहती थी, फिर रात को बाहर जाना शूट के बाद बार में बैठ के एक बियर पीना, और पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठ के ठंड में बहुत 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 ग्रूलिंग शूट होते थे, थक जाते थे सब कुछ. और अलग अलग जगहों में हम रहे, हम होस्टेल्स में रहे, हम लॉजेस में रहे, हम गेस्ट हाउस में रहे, हम मोटेल में रहे, हम होटल में रहे. सो सब बस जस्ट टू बी आउट एंड अबाउट, जस्ट टू बी ट्रैवलिंग एंड शूटिंग, जस्ट टू बी ट्रैवलिंग एंड फिल्मिंग वाज इट्स लाइक आई कैन डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, इफ आई हैड टू जस्ट कीप फिल्मिंग ऑन द गो आई वुड बी हैप्पी. लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, व्यूअर्स, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं बस लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन खुल गया है, बट लेकिन थोड़ा सा जस्ट कीप इट इजी, स्टिल टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड स्पेंड टाइम एट होम विद योर फोक्स एंड वॉच ख्वाबों के परिंदे. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑन वूट, यू डोंट हैव टू पे अ पेनी फॉर इट, सिट बैक, जस्ट गो टू वूट एंड प्ले इट. 14th इज नॉट फार, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट, वॉच इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर एवरीबॉडी यू कैन थिंक ऑफ.